सो हाई एवरीवन, टुडे इज 23 जनवरी और अभी मैं ऋषिकेश के लिए निकल रहा हूँ. अभी मैं जस्ट मॉर्निंग में उठा हूँ एंड मेरी डाइट तैयार है. आई हैव ऑलरेडी पैक माई बैग. दिस इज द बैग दैट आई बी यूजिंग, ये वाला, एंड दिस इज द राइनॉक्स. कपड़े सब तैयार है, 10 मिनट लगेंगे हार्डली. नहा चुका हूँ मैं, सब कुछ कर चुका हूँ. जस्ट मैं अब डाइट ले रहा हूँ एंड डाइट में मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या ले रहा हूँ इस टाइम. थोड़ा सा अभी जो है लग रहा होगा खराब टाइप, बट येस, आई विल बी टेकिंग ब्राउन ब्रेड, सम कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें पनीर है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज प्रोटीन शेक ताकि मेरे को सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहे. कॉफ़ी है इसमें, कैफीन ताकि मेरी अलर्टनेस रहे. एंड दिस इज द बादाम्स. और बस यहाँ से चलेंगे अपन. ब्रूनो उधर वेट कर रहा है. सो भाई, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग इसके ऊपर. आई एम जस्ट वेयरिंग द राइडिंग जैकेट. यस, लेट मी स्विच टू द वाइड कैमरा सो दैट ब्रूनो कैन ऑल्सो कम द व्लॉग और उसकी कोई सहेलियां बन सके. सबसे पहले हम यहाँ पर इनर शेल को बंद करेंगे और इनर शेल को बंद करने के बाद अपन अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं करेंगे. एंड सब मैं नीचे जाके सेटअप करूँगा. जैकेट फुल बंद कर लीजिए. इसके बाद पहनी जाएगी सॉक्स. सॉक्स के बाद पहने जाएंगे बूट्स. एंड बूट्स के बाद अपन जो है डालेंगे द स्क्वाइको K12. क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोच कि तुम पछताओगी. अब क्यों सोचेगी भाई वो, हैं, जब गवाही दी है उसने या तुमने, तो क्यों सोच रहे हो, क्यों? ये कुछ सवाल है जो मैं कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे. तब तक तुम्हारी मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम. तो भाई, अपने साथ एक कांड हो गया. जो मैंने चार्जर, मतलब ऐसे मेमोरी कार्ड लिया था, वो चाइनीज निकला एंड क्लास 10 नहीं था. मेरे को लगा काम कर जाएगा, बट GoPro जो है वो 12 सेकंड से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है. अब अपन बाइक निकालते हैं एंड वार्म अप करते हैं बाइक को. भाई, अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है अपना इस बैकपैक जो है मेरा रॉयल इनफील्ड वाला, उसको माउंट करना है पीछे. भाई यहाँ पर जो है अपना फुल जो मेरा आगे वाला माउंट है वो वहाँ पर लग गया है. एंड जो मेरा बैकपैक है वो मैंने पीछे माउंट कर दिया है. यहाँ से अपन चलने के लिए है तैयार. तो भाई अभी जो हूँ मैं बाईपास के ऊपर खड़ा हूँ एंड यहाँ पर एक भाई आया और एक और भाई अभी आ रहे हैं, दीपक. एंड निकलेंगे यहाँ से. बहुत अमेजिंग मज़ा आ रहा है यार. क्या बाइक लग रही है, क्या सेक्सी और क्या लाइटिंग सेक्सी आ रही है. बहुत फाड़ है, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ आप जा रहे हैं. एंड अपडेट इज GoPro इज नॉट वर्किंग एंड एज ऑफ नाउ आई डोंट नो कि मेरे को एक मेमोरी कार्ड मिलता है या नहीं मिलता, बट माय मेमोरी कार्ड इज क्रैश्ड. एंड यस, वी हैव टू मैनेज सम हाउ लाइक दिस. एंड लेट्स मूव ऑन टू द मीटिंग पॉइंट. दो मीटिंग पॉइंट्स है, लाजपत नगर एंड मोहन नगर. हम जा रहे हैं मोहन नगर गाजियाबाद. दैट वुड बी समवेयर इन बिटवीन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड दैट वुड टेक 40 to 50 minutes. तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले आ गए. बहुत बहुत सेक्सी वाली ट्रिप होने वाली है. कैसे हो अनिमेश भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तुम बताओ. हाय भाई, बहुत बढ़िया. काफ़ी टाइम लगता हुआ एंड राहुल भाई की वेट कर रहे हैं. एक दो और बंदे रह गए हैं, मिश्रा जी रह गए हैं, राहुल भाई रह गए हैं. उसके बाद अपन निकलेंगे यहाँ से. भाई अपने को पता है हमने कैसे जुगाड़ करा है एंड राहुल भाई ने अपने को कैसे भी करके जो है वो ला कर दिया है मेमोरी कार्ड. एंड आई होप ये कैमरा अब बढ़िया चल रहा है, अब थोड़ी सी ट्रिप बढ़िया हो पाएगी एंड फुटेज बढ़िया बन पाएगी. यहाँ से हमारा राइड का आरंभ हो चुका है. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आई होप ये राइड सेफ रहे एंड बहुत आराम से, बहुत केयरफुली राइड करने का है. कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं. बट वन थिंग दैट आई एम
फेसिंग प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि मेरे टायर का पता नहीं पीछे वाली हवा कम कैसे हो गई। तो भाई एक चीज़ है कि लाइक अभी जैसे पास में 3 महीने पहले जब मैं राइड पे गया था चक्राता राइड पे, तो उसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी ओवरटेक में जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए ओवरटेक में नहीं कर रहा। 1 मिनट भी नहीं लेट पहुँचे हम, तो अपने कंफर्ट जोन में चलो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से आप चल सकते हो चलो। अभी हमारा जो है वो टी ब्रेक है, तो अपन टी पियेंगे एंड ब्रेकफास्ट अगर होता तो ठीक है, अदरवाइज आगे अब साथ में ग्रुप के साथ ही चलेंगे। एंड अब आपको बाइक का लाइनअप दिखाता हूँ, पहले मैं कितनी सारी बाइक्स है एंड कितना अमेजिंग मजा आ रहा है। आई हैव इंटरसेप्टर्स बुलेट्स, दिस इज माय नियति, लुक्स अमेजिंग, ऐसे ऐसे सारा उन्हें पैक कर रखा है। और दिस इज हिमालयन एंड मोस्ट ऑफ द ही है इसमें बुलेट्स ही है, एक है हमारी थंडरबर्ड पुरानी एंड ये है थंडरबर्ड एक्स मॉडल, प्रीटी गुड। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चाय मिली है भाई हमारे को, कुल्लड़ वाली चाय, और साथ में मैंने लिए है न्यूट्री ऑरेंज बिस्किट। डाइट मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि फैट गेन ना हो, बट फैट नहीं बट हाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए राइड के टाइम, इसलिए जो अनिमेश भाई मेरे 500 रुपये चाय के, यहाँ 500 भाई एक बार 500 के नोट पे दिखाओ, 500 पैसा ही पैसा, ये चाय की कंट्री है। दोस्तों आज हमारे को एक उपाधि खुद मिली है DRER वालों की तरफ से, जो है सर चिराग खन्ना, DRER का इकलौता मेंबर जिसके अंदर सर लगा हुआ है। चाय पी लिया अपन ने, अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि एक भाई का थोड़ा सा जो है वो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, बट मिट्टी वो ब्रेक मार रहे थे बट वो थोड़ा सा हो गया, तो उनका थोड़े से कुछ मैकेनिज्म टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो वो पीछे रुके हैं। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अब हमारे को निकलना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, आगे हम कैफे पे उनका वेट करेंगे। भाई वी हैव रीच्ड आवर ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन, शिवा होनी चाहिए थी बट हम ये शिव आई है बट दूसरा वाला है, बट यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, होपफुली पराठे खाएंगे, मैं मक्खन नहीं लगवाऊंगा। एंड बाइक अपनी खड़ी है, बाइक में ही मेरे सारी डिवाइसेस लगा रखी है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं बार बार उतारूँ, इसलिए बाकी सारी पार्क यहाँ पर है और मेरी व्हीकल यहाँ पर पार्क है। बहुत मज़ा तो भाई हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया एंड ठीक था, बस कार्ब्स मैंने लिए कि एनर्जी आ जाए मेरे को राइड के लिए। एंड यहाँ से अपन निकलेंगे एंड नेक्स्ट लोकेशन जो रहेगी वो हमारी रहेगी हरिद्वार, हरिद्वार में हम चाय पियेंगे और सीधा वहाँ पर हम कैंप करेंगे। तो भाई अभी है हम हमने अलग तरीके से रास्ता लिया था, अभी रुड़की क्रॉस करने के बाद हम हरिद्वार जो पतंजलि वाला है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं एंड मोरओवर हरिद्वार में हमने एंट्री कर ली है। ऋषिकेश जो है वो अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 30-25 किलोमीटर के आसपास होगा, बट यहाँ पर काफ़ी जाम है एंड जाम को बाईपास करने के लिए हमारे को थोड़ा सा स्लाइटली ओवरटेक करके या हमारे को रॉन्ग साइड से होते हुए जाना पड़ेगा। फाइनली जो है हरिद्वार पहुँच चुके हैं, हरिद्वार से अब समवेयर बिटवीन 20 किलोमीटर हमारे को ऋषिकेश रहेगा। यहाँ से निकलते हैं, मेरी टीम आगे पहुँच चुकी है पूरी की पूरी स्क्वाड, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, निकलते हैं अपन आगे। भाई अपन जो है ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं और मैं पूरा का पूरा झुंड से जो हूँ ग्रुप से अलग हो चुका हूँ एंड मैंने जो है अभी लोकेशन मांगी है ग्रुप के अंदर, बट अभी किसी का रिवर्ट आया नहीं है, तो आई थॉट कि ऋषिकेश के टूवर्ड्स ही चलता हूँ। रिवर अभी ऋषिकेश अभी मतलब ऐसे हरिद्वार ही चल रहा है, हरिद्वार से अब ऋषिकेश शुरू हो चुका है, ऋषिकेश स्टिल 20 किलोमीटर दूर है, तो एटलीस्ट मैं अपने बे के अंदर रहूँ। तो भाई यहाँ से अपन जो है ऋषिकेश के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ऋषिकेश का ऋषिकेश ही चल रहा, तो ये शिवपुरी वाला टाइप का पड़ता है एंड अभी तक की गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं बिल्कुल पीछे हूँ अपने बिल्कुल टेल पे एंड कैंप बस हमारा बिल्कुल पास में ही है, पहुँचने वाले हैं हम। बस बहुत मज़े में बहुत अच्छे तरीके से निकलते हुए, एंड आई गेस द थर्ड पैसेज इज द मोस्ट डेंजरस वन एंड इज एक्चुअली वेरी वेरी लॉन्ग।
नॉर्मल में कर रहा हूँ। बाइक वहाँ पे पार्क करी है, दीज आर द कैंप्स, बिल्कुल सामने ही राफ मतलब एज इन फुल गंगा जी है, बहुत पहाड़ है, म्यूजिक है, सब कुछ है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कैंप्स के अंदर स्टे करूँगा, तो फुल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, शेर आता या नहीं आता। एंड अभी मैंने वाटर पासिंग करी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा फाड़ रही।